कमाल क्रिकेट के एक और करिश्माई एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और भैया अगर आप स्किप करने की सोच भी रहे ना, तो ये बात ही अपने जहन से निकाल दीजिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे शेयर करना है ना कि भैया नहीं, आप नहीं कर सकते भाई स्किप। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज है IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, और मीटिंग बुलाई गई है तो मीटिंग में क्या बड़े और अहम फैसले लिए जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भैया आज होंगे, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। और क्या डिसीजन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं ये भी भैया मैं आप लोग को बताने वाला। एंड देन बता दूं सबसे बड़ी अपडेट जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, वो है पंजाब किंग्स टीम के नए कप्तान को लेकर। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मत भूलिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज, पहला T20 इंटरनेशनल आज लखनऊ में खेला जाएगा, बड़े सारे खिलाड़ी भैया बाहर हो गए हैं पहले मुकाबले से, तो वो सारी जानकारियां एक एक करके आपके सामने परोसने वाला हूं। मतलब पूरा माहौल बन चुका है, पूरा मजा आने वाला है। आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, और एक एक करके ताकि मैं ऐसे सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। वैसे मैं भैया शुरुआत हो यहां पर, सबसे पहले बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जो निकल कर सामने आ रही है हमारे पास, वो है पंजाब किंग्स खेमे की तरफ से। और जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल कर सामने आई है कि मयंक अग्रवाल बन रहे हैं IPL 2022 में पंजाब किंग्स टीम के कप्तान। जी हां दोस्तों, बड़ी न्यूज, बड़ी खबर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और इस तरीके की अपडेट्स हमारे पास IPL सोर्सेज से आई, जहां पर यह बताया गया कि पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने यह मन बना लिया है कि वो मयंक अग्रवाल के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और उन्हें ही IPL 2022 का कप्तान बनाने वाले हैं। इनफैक्ट यह भी बताया गया कि इस चीज का फैसला या इस चीज को लेकर अपना माइंड पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट ने बहुत पहले से ही बना रखा था, जब KL राहुल ने टीम को छोड़ा था। हालांकि शिखर धवन के आने के बाद थोड़ा सा डिस्कशन जरूर हुआ कि क्या हम शिखर धवन को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह बताया गया कि मयंक अग्रवाल टीम के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं, परखते हैं, और इसीलिए यहां पर अंत परंते पंजाब किंग्स टीम मयंक अग्रवाल को कप्तान बना रही है। यह बड़ी खबर है हमारे पास, बड़ी अपडेट हमारे पास IPL सोर्सेस से आई है। और ना सिर्फ केवल इतना, बल्कि यह भी बताया गया कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें इस सप्ताह ही देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, इसकी ऑफिशियल, इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, यह दावा यहां पर PTI के सोर्सेस ने किया है। एंड देन बात करें यहां पर दूसरी मेजर अपडेट को लेकर, तो भैया ये है IPL 2022 के टाइम टेबल को लेकर। जी हां दोस्तों, क्रिकबस की रिपोर्ट ने बड़ा क्लेम किया, जहां पर यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि IPL 2022 का फाइनल मुकाबला हमें 29th ऑफ मई यानी कि रविवार को देखने को मिलेगा। और अगर रही बात यहां पर स्टार्टिंग डेट को लेकर, तो जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि 26th ऑफ मार्च या फिर 27th ऑफ मार्च, यही जो है डेट और तारीख होने वाली है। अब इसको लेकर जो थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन चल रहा है ना, वो BCCI एंड स्टार स्पोर्ट्स यानी कि ब्रॉडकास्टिंग टीम की तरफ से चल रहा है, जहां पर ब्रॉडकास्टिंग टीम चाहती है कि 26 मार्च से शुरुआत हो, तो वहीं पर BCCI कह रहे हैं कि 27th ऑफ मार्च से हमें IPL को स्टार्ट कराना चाहिए। अब इसी को लेकर बातचीत चल रही है। एंड जैसा मैंने बताया कि आज IPL गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, तो वहां पर इस चीज को लेकर फैसला लिया जाने वाला है। यह बात बिल्कुल साफ है कि 26 या फिर 27 मार्च को ही IPL 2022 का आरंभ यानी कि शुभ आरंभ होगा, और वहीं पर फाइनल मुकाबला 29th ऑफ मई यानी कि संडे को खेला जाने वाला है। यह बात क्रिकबस की रिपोर्ट ने साफ कर दी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर तीसरी मेजर अपडेट को लेकर, तो भैया ये अपडेट है IPL 2022 के वेन्यूज को लेकर। और यहां पर हमें यह बताया गया कि IPL 2022 ऑब्वियसली भाई महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे लीग स्टेजेस। अब उसको लेकर और क्लियरेंस आई है, यह बताया गया है कि हमें 55 मैचेस IPL 2022 के लीग स्टेजेस के मुंबई में देखने को मिलेंगे, तो वहीं पर 15 मुकाबले को पुणे में कराने की तैयारी BCCI कर रहे हैं। और अगर बात करें यहां पर मुंबई के मैदानों को लेकर, तो बेसिकली तीन मैदानों को, तीन स्टेडियम्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि है वांगखेड़े, ब्रैबर्न एंड DY पाटिल स्टेडियम। तो वहीं पर दूसरी तरफ पुणे की अगर बातचीत करें, तो MCA इंटरनेशनल स्टेडियम को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जहां पर आपको IPL 2022 के लीग स्टेजेस के मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। तो इन टोटल 4 स्टेडियम्स को कहीं ना कहीं फाइनलाइज कर लिया गया है। वहीं पर दोस्तों अगर नेक्स्ट अपडेट में बात करें नॉकआउट स्टेजेस के मुकाबलों को लेकर, तो यह बात बिल्कुल साफ है कि अभी उस चीज को लेकर BCCI ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि IPL 2022 के नॉकआउट स्टेजेस यानी कि प्लेऑफ्स कहां कराए जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर यही चांसेस है कि ये मुकाबले आपको अहमदाबाद में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और दोस्तों हमें यह भी बताया गया है कि इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन यानी कि स्टार्टिंग डेट IPL 2022 की और साथ ही साथ प्लेऑफ्स के वेन्यूज को लेकर जो भी बातचीत होनी है, वो आज IPL गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में होगी, और यहां पर सारी चीजें तय तमाम कर ली जाएंगी। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट को लेकर, तो ये अपडेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स कैंप से। अब हाल फिलहाल में आपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखी होगी कि अजीत आगरकर को टीम ने एज एन असिस्टेंट कोच साइन किया है, तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अजीत आगरकर को ही नहीं, बल्कि शेन वॉटसन भी अंडर रडार है, और बहुत जल्द उनको भी दिल्ली कैपिटल्स टीम एज एन असिस्टेंट कोच साइन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ये अपडेट हमारे पास परसों ही आई थी। हालांकि ये अपडेट मैं आप लोगों से सोशल मीडिया पर तो
शेयर किया था मैंने, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जानकारी नहीं बताई गई थी, तो मैंने सोचा कि यहां पर मैं आपको बता दूं। और ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स टीम के जो हेड कोच है वो रहेंगे रिकी पोंटिंग, असिस्टेंट कोच के तौर पर अजीत आकरकर, शेन वॉटसन दो खिलाड़ी रहेंगे, तो वहीं पर बैटिंग कोच है प्रवीण आमरे एंड बॉलिंग कोच रहेंगे जेम्स होप्स। ये है पूरा आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स टीम का कोचिंग स्टाफ। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट हमें सीएसके कैंप से देखने को मिल रही है। एंड सीएसके कैंप ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है सूरत में, जहां पर कुल मिला के लगभग 40 खिलाड़ी ट्रेन करते हुए नजर आएंगे, जिसमें सीएसके के भी प्लेयर्स रहेंगे। और ये ट्रेनिंग यहां पर स्टार्ट करने वाली है सीएसके टीम 8 मार्च से, और 4 मार्च को सीएसके के सभी खिलाड़ी, मतलब जितने लोग ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सभी प्लेयर्स जो है 4 मार्च को पहुंच जाएंगे सूरत, जहां पर वो क्वारंटाइन अपना पूरा करेंगे। एंड उसके बाद वो आपको 8 मार्च से प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे, और ये प्रैक्टिस कुल मिला के लगभग 14 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप चलने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों ये भी बताया गया कि सीएसके के ऑफिशियल्स पहले ही सूरत पहुंच चुके हैं और अच्छी खासी पिचेस प्रिपेयर की जा रही है मुंबई की कंडीशंस को ध्यान में रखकर, क्योंकि मुंबई में ही ऑब्वियसली अब आईपीएल के लीग स्टेजेस खेले जाएंगे। तो ऐसे में उन सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर सीएसके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 14 दिन का ये कैंप रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि लगभग हर दूसरे दिन के गैप में यहां पर जो है सीएसके टीम प्रैक्टिस गेम्स भी खेलते हुए नजर आएंगे सूरत में, जब वो अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट करेंगे 8 मार्च से। और इसके बाद हम थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खबरों से रूबरू हो, तो उसके पहले एक बात और याद करा देना चाहूंगा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका पहला टी20 इंटरनेशनल आज है। एंड आपको यह भी पता है कि आज हम आप मिलकर ना ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 बनाएंगे हमारे फेवरेट एप्लीकेशन माय 11 सर्कल पर। अब क्योंकि इसके पहली वाली श्रृंखला में ना हमने तगड़े तगड़े प्राइजेस जीते हैं, @DrCrickPoint हमारा टेलीग्राम है, जो लोग वहां पर जुड़े हुए हैं ना उनको पता भी है भैया, उनको सबसे अच्छे से पता है। एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट से जुड़ जाओ, क्योंकि वहीं पर ताबड़तोड़ फैंटेसी 11 शेयर करूंगा मैं, और वहीं पर थोड़ा सा हम आप बातचीत करके ना तगड़ी फैंटेसी 11 बनाएंगे भी। और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव लिंक जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में है, वहीं से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करना, क्योंकि अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो ना तो आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं जो कहीं और से आपको नहीं मिलने वाले। और साथ ही साथ आपको पता है कि भैया जो नंबर एक आज जीतेगा ना मेगा कॉन्टेस्ट, उनको मिलने वाला है महेंद्र थार और ढेर सारे कैश प्राइजेस। वैसे में भैया फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और हम आप मिलकर आज कुछ तगड़ी फैंटेसी 11 बनाएंगे और तगड़ा अमाउंट यहां पर जीतेंगे। और अगर अपडेट्स की यहां पर बातचीत होना, तो भैया अपडेट्स उतनी ज्यादा बेहतरीन है नहीं, इंडिया और श्रीलंका दोनों कैंप से कुछ बड़े नाम हमें मिसिंग नजर आ रहे हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी पहले मुकाबले के पहले बाहर हो चुके हैं। कौन कौन से नाम है देखिए, दीपक चहर, सूर्यकुमार यादव, भारतीय खिलाड़ी, दो बेहतरीन सितारे, पूरी टी20 इंटरनेशनल श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। देखिए ये खिलाड़ी ना चोट के चलते पूरे श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये खिलाड़ी अभी एनसीए जा रहे हैं, वहां पर अपना रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करेंगे। एंड दीपक चहर तो अब आपको आईपीएल 2022 से ही वापसी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर दोस्तों अगर बात करें श्रीलंका कैंप को लेकर, तो भैया तीन खिलाड़ी यहां पर अंडर रडार है। वरिंदु हसरंगा टी20 इंटरनेशनल श्रृंखला से रूल्ड आउट हो चुके हैं ऑफिशियली, आपको वरिंदु हसरंगा भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी भी वो मतलब कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें दो श्रीलंकन प्लेयर्स को लेकर, तो कुशल मेंडिस और साथ ही साथ स्पिनर महेश थिक्षाना, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो डाउटफुल हैं पहले मुकाबले के लिए इंजरी के चलते, यानी कि कुशल मेंडिस भी इंजर्ड है, महेश थिक्षाना भी इंजर्ड है, और ये श्योर नहीं है कि क्या वो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जो आज खेला जाएगा इसके लिए अवेलेबल होंगे या फिर नहीं, अभी इस पर डाउट है, देखना रहेगा कि आगे चलकर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और ऐसे में दोस्तों ये रही यहां पर दिन भर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आप लोगों से शेयर की, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन भैया याद रहे कि माय 11 सर्कल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, बट प्लीज नोट दैट दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।